तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अष्टमी है, मतलब नवरात्रे चल रहे हैं। तो वैसे तो हम नवमी मनाते थे, लेकिन इस बार अष्टमी मनानी पड़ रही है क्योंकि भाई की छुट्टी आज ख़त्म है, वो जा रहा है आज। तो आपको पता है कि फौजी नौकरी कैसी होती है, अभी फ़ोन आए तो फटाफट जाना पड़ता है, टू मच स्ट्रगल। तो मन खुश भी है, थोड़ा दुखी भी है कि हाँ यार जा रहा है। जब घर पे होता तो लड़ाई झगड़ा मतलब भाई बहनों की होती है, लेकिन जब जाता है तो थोड़ा सा मन टूटने लगता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हर बार ही होना है और धैर्य रखना पड़ेगा। और अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 4:30, तो 4:30 हो रहे हैं। तो मम्मी ने सब कुछ कर दिया और मैंने झाड़ू पोछा कर दिया और मम्मी भी नहा चुकी, मैं भी नहा चुकी। बस भाई को उठाना रह गया, पापा गए ड्यूटी, पापा भी ड्यूटी से आ जाएंगे। तो थोड़ी देर में, क्योंकि आज अष्टमी हो गया है तो पंडित जी को और भी जगह जाना है, तो हमने कहा था कि पहले हमारा कर देना क्योंकि भाई को जाना है। तो अभी थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे, उसके बाद हवन होगा। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मेरा आउटफिट ये है। तो ऊपर से भी पूजा में बैठे हुए हैं, मैं भी जा रही हूँ पूजा में। तो पापा अभी ड्यूटी से तो आए नहीं, जब वो आ जाएंगे तो वो भी रहूँगी। तो मैंने ऊपर जा रही हूँ जी। ये चीज होती है, इससे ये पूरी का पाठ का पूरा पाठ हो जाएगा इसका। आ देख माँ दुर्गा, माँ सुरखंडा, माता माँ सरस्वती, माता माँ भगवती माता, मेरी जितनी भी माँ है उनकी आशीर्वाद से हमारी हरियाली इतनी अच्छी हो रखी, इतनी अच्छी। ये देखो, मैंने पंडित जी ने मतलब सबके कान में रखने के लिए बोला कि सब कान में रखो, और ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है, सो लवली। तो माता रानी की कृपा है, माँ अपना आशीर्वाद हमेशा यूं ही हमारे ऊपर बना के रखना। और होप सो आगे भी इतनी अच्छी हरियाली जम पाए हमारे घर में। और अब वैसे तो हमने थोड़ा बहुत सब कुछ बना दिया है, मतलब सब कुछ तैयारी कर ली है, थोड़ी बहुत आटा भी पूरी भी थोड़ी बहुत बना दी है, और जो भी है सब्जी हलवा जो भी बनाया वो थोड़ा थोड़ा सब बना दिया मतलब। तो अभी प्रसाद के लिए बनाया था, तो अभी हम वो करेंगे, कंच के जमाएंगे, तो कंच के लिए अभी खाना बनाएंगे, तो आगे आपको दिखाती रहूंगी। और उसमें तो रखा हुआ था ये दो भैरवनाथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो। मैं बजरंगबली तेरा आगे मैंने ऊपर रख दिया, इसका ये गिरा पड़ा, रुक जा, एक ही रह गया पता नहीं। हाँ जी, इसका एक आ गया। तो आपको कैसा, तो आपको कैसा लगा कि हमारे घर में इतनी अच्छी हरियाली हो रखी थी, कुछ कहना चाहोगे? हम बजरंग बनी है, आप कुछ कहना चाहोगे सर? जय माता दी, जय माता। और सर आज आपकी भी विदाई है, आज आप भी ड्यूटी पे जाना आपको, तो आपको कैसा लग रहा है लास्ट डे? बजरंग वाली है, कुछ कहना चाहोगे? जाना जाना ही है यार। ओके, आपको हमारी याद आएगी कि हम लड़ाई कैसे करते थे, खास करके पवन के साथ। पवन ब्रो आप, हम तो यही हैं अभी, यही हैं आप अभी, आप तो खैर पूरी टासन निबेड़ के जाओगे हमारी। चलो जस्ट किडिंग, मिलते हैं आगे, आप मुझे कंच को बुलाने, तो मिलते हैं, बाय। तो हमारे जो भाई है लुधियाना वाले, वो हमारे लिए चाय बना रहे हैं, सो स्वीट। आ फूफू, आई लव यू ब्रो, एक मिनट आ गया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्या आई लव यू टू, आई लव यू टू, बोलने में शर्म आती है ना? क्या यार, खुद की बहन से प्यार करते और बोलने में शर्म, किसी की शर्म?
अगर अभी लड़की को बोलोगे उस लड़की को प्रपोज करना तब तो आप मायर हो जाओगे मिनट में। लड़की को किया मैंने प्रपोज बताऊं? अंजलि, शिवानी, तेरे स्टेटस देखे थे बाबू मैंने एक बार। तो चलो जस्ट किडिंग, ये तो मजाक की बात है। ऐसे भाई बहन में प्यार होता है लेकिन ये लड़के ऐसे होते हैं जो जताते नहीं है। राइट तो प्यार तो ये बहुत करते हैं। अब ये बना रहे हैं चाय, पतीला खूब करके जल गई और हम बनाएंगे चाय। भाई ये क्या बात बनी बरो, ये क्या बात बनी? तो अब हम बनाएंगे पूरी। मम्मी ने मुझे बोला कि आप पूरी बनाओ। पूरी बनाने दे लक्षण का लाते हैं मेरे। मुझे मेनू सारा कुछ याद है। अपन शो नहीं करते किसी ने भी सानू खाना बनाना आंदा कोई गल नहीं। हाजी थोनू दिखा दे दीदी हम कहते हैं, हम कहते हैं शो नहीं करते हैं कि हम लगर कह दो हम बुआर बन हम भी तो शो नहीं करते हैं कि हम का खाना बनाना आंदा कि लोग हम देखे इंप्रेस हो जाना। हम सिर्फ अपनी खूबियां छुपाउंदा छाम छुपाउंदा के लिए हम कोई दीदी देख हवार वीडियो बना रख लगे और बैठे के यार काम नहीं करनी तो गाइस यहाँ पे पोपट हो गया दीदी का अभी दीदी का पोपट हो गया था। अभी पंडित जी ने क्या बोला था ऊपर? पता नहीं क्या बोला। क्या बोला था? कि मैं लक्ष्मी माता हूँ, ठीक है तो मुझे माना करो। लक्ष्मी माता नहीं बोला था, सिर्फ माता बोला था। चाहे तो लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी भाई, लक्ष्मी तो लक्ष्मी होती है। तो चलो ऐसे तो हमें भी बोला था, हमें बोला था भैरव बाबा। तो कोई बात नहीं गाइस, दीदी की बात को सीरियस मत लेना। दीदी की बात को सीरियस मत लेना, मजाक मजाक में टाल लेना। ये चार्जर कहाँ लगाना? बंद कर, इधर लगा, बंद कर दे उसे। बंद नहीं करना गाइस, आज हम आपको अपना ब्लॉग दिखाएंगे। बंद कर दे यार, चाय देख तू। तो गाइस यहाँ देखो चाय में उमाल आ गया। दीदी को कोई फिक्र ही ना है, हमने काम भी नहीं किया गैस पे। हम भी चब्बी चब्बी चीक तेरे पट्टने रिपीट। दीदी की पूरी बन रही है, ठंडे तेल में ना डाल देना दीदी। ओ भरावा मेरी पूरी तुसी खा के ता देखोगे ना, तुसी भी कहोगे कि एड्डी केड्डी। तो तेल हमने गरम करना है क्या? गैस में रखना था उसको तब से। गाइस दीदी का फेस कट गया था। एक डाल के देखो। नहीं नहीं तेल अभी ठंडा है। डालूं? हाँ डाल के देखो। डाल तो सोच रहा हूँ जल जाए इसका हाथ। ऐसे थोड़ी जल जाएगा, तेल इतना गरम ना है। हम हाथ डाल देते गाइस, लेकिन ये पूरी बन रही है कंचिका के लिए, तो हाथ क्या ही डालना, छोड़ो। ये तो चाहते हैं कि हाथ डाल दें हम अपना तेल में गरम होते हुए। तो चलो फिर आपको पूरी के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों दीदी की पूरी बन गई है। अब जलन हो रही है मम्मी को, मां उसकी फुलके कैसे बन रहे हैं? फुलके फुलके देखो उन्होंने के साथ फुलके फरा सुन गया। फुलके अगर पूरी वाला स्वाद आ रहा है, सुंदर भी घंटा भी दो वो बोल देना ना ना गोड़ भी उड़ जाना चाहिए। अब ऐसे ही नन्नी नन्नी के फुलके क्या वो टेबल में रखी मम्मा। तो चलो फिर अब आपको छोलों के साथ मिलते हैं। पूरी बन गई। साना वेरी गुड, साना वेरी गुड। साना पत्ता रो बता पता बैठ मत साना वेरी गुड। किसने पत्ता रो? साना पहले इसमें करवा बैठा भी लगा ऊपर भूलना मत रे। अच्छा अच्छा अरे नीचे तो बैठ। अन्ना लगाती थी। हेलो हेलो जाएगा दे रखा आपने जो टूट ही नहीं रहा है। मम्मी ने बनाई है वो।
एक पूड़ी आपकी बनाई हुई है, इसलिए आपका नाम लिखा हुआ है। इस पूड़ी में आपके इंसाइड डिमेंशन है। इंसाइड डिमेंशन कर दियो। इसको कहते हैं पूड़ी। ये बुआ के हाथ की बनाई हुई पूड़ी है। जो मेरी बनी हुई पूड़ी मैं खुद ही खा रही हूँ। ये गाइस ये झूठ है। झूठ नहीं है, ये रियलिटी है। क्या सोच है पूड़ी का कि ये आपकी बनाई हुई पूड़ी? क्योंकि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। तो गाइस मेरी बनी हुई पूड़ी साफ पर तुम ये घुमा ना जल्दी नहीं कि ये जो ये तो मां साफ पर जो जा करो सेठ से आप छीनो हट में चल के आज बेटी हुई है क्या? बेटी हुई है? अरे भाई बेटी पैदा होने पे तुम लोग मुंह मोड़ देते हो कि बेटी हुई है और बहुत तुम सबको चाहिए। अरे भाई जब लक्ष्मी की पूजा करोगे, लक्ष्मी को मानोगे, लक्ष्मी को अपनाओगे तभी तुम्हारे घर में भी लक्ष्मी आएगी। बेटी तो किसी को चाहिए नहीं और बहू तो सबको चाहिए। जब हम कंचके जमाते हैं ना तो लोग कन्याओं को देवियों को लेने के लिए कितनी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जब खुद के घर में देवी हो तो तब इनकार करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि चाहे किसी का भी बेटी हो या बेटा हो तो उसे अपनाओ, उसे इग्नोर मत करो। अरे भाई ठीक है अगर लड़का होता है तो वंश आगे बढ़ता है, लेकिन अगर बेटी होती तो घर में लक्ष्मी आती है। अगर आप रोटी खा रहे हो या आपको कुछ मिल रहा है या सीख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से ही है। अगर लड़की है तभी ये घर भी है, लड़की है ये संसार है, लड़की है तभी मन भी है, लड़की है तो सब कुछ है, ये पूरी ज़िंदगी है, पूरा संसार है। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा सभी जो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं मेरे उन सभी के लिए मैसेज है कि बेटी को अपनाओ, लक्ष्मी की पूजा करो। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करोगे वो तो ऊपर वाली जो लक्ष्मी माता होती है वो खुद आपको आशीर्वाद देने आएगी, और नहीं आई तो मेरा नाम चेंज कर देना, क्योंकि अगर लक्ष्मी की पूजा करोगे तो सब कुछ ही लक्ष्मी है। तो मेरा ये मैसेज है, ये कहना है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। अगर आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगा तो मेरी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि मैं समझूंगा कि हाँ ये मेरा मैसेज बहुत लोगों तक आगे पहुंचा है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब है भाई के जाने के बारी, अब वो भी चला जाएगा, उसके बाद मैं भी ऑफिस जाऊंगी, फिर मम्मी पापा दोनों अकेले घर पे और भाई कज़न। Thank you.
गाइस। और ये क्या बताऊं, उसने हमें भेज दिया कि तुम लोग जाओ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिसने नहीं किया वो भी करिए और जिसने कर दिया तो गुड। और अगर आप और मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छा 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 ब्लॉग आपको दिखाते हैं। क्या कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं। तो